बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 314 स्थानों पर अवैध ढांचों को गिरा दिया और 7 होटल सील कर दिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों मुंबई के एक पब में आग लगने से 14 लोगों की मौत होने के एक दिन बाद ये कार्रवाई की गई। बीएमसी ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि उसने शहर में और उपनगरों में 624 रेस्टोरेंट, ढाबों और मॉल का निरीक्षण किया और 314 स्थानों पर खड़े अवैध एवं अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त कर दिया है। अभी जिन्होंने वायलेशन किया है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे कार्रवाई करने दो, इतना ही मुझे मेरा। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का भाग बन जाएगा ना, इन्वेस्टिगेशन में जो है वो आ जाएगा और जिनके दोषी है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी ने कार्रवाई के दौरान 7 होटल सील कर दिए और 417 LPG सिलेंडर जब्त किए हैं।